नमस्कार मैं विक्रम सिंह क्लास इलेवेंथ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हाइड्रोकार्बन आज देखेंगे हम हाइड्रोकार्बन आज हमारे क्लास में आ चुके हैं जय सिंह जानवी खान विपिन मून रोशन उपासना कृष्णा और बहुत सारे स्टूडेंट्स आज मैं आपको बताऊंगा हाइड्रोकार्बन क्या है यह चैप्टर नंबर थर्टीन है क्लास इलेवेंथ का इसकी खास बात यह है कि अगर इसको हम थोड़े से कुछ पॉइंट्स को समझ जाएं तो यह पूरा हाइड्रोकार्बन बहुत इजीली समझ में आता है तो आप सबको कहूंगा कि आज की क्लास बेहतर रहेगी और एक चैप्टर है मेरा हाइड्रोकार्बन का क्लास इलेवंथ का उनको आप जरूर देख लें पूरा देख लें और मैं एक आपको सजेस्ट करूंगा ये तो चैप्टर नंबर थर्टीन है चैप्टर नंबर ट्वेल्व के पूरे वीडियोस आप देख लो जो मैंने पहले से अपलोड करके रखे हैं इससे बहुत बड़े फायदे आपको होने वाले हैं यह तो हुआ इंट्रोडक्शन अब शुरू करते हैं कि हाइड्रोकार्बन है क्या आज की क्लास स्पेशल हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है बिल्कुल ईजी होने वाला है क्लास और बहुत सारे स्टूडेंट जिनके नाम आ रहे हैं मैं उन सबको कहूंगा सबका नाम लेते नहीं बनेगा इसलिए सबको कहूंगा गुड इवनिंग मेरे क्लास के साथ जुड़े रहिए और पूरी क्लास करेंगे पेन और कॉपी लेके बैठिए बेटा ताकि कुछ लिखना पड़े तो जरूर लिखें और थोड़ी प्रैक्टिस करें बहुत आसान हो जाएगा आज के क्लास तो चलिए सारे बच्चे कैसे चल रहा है बेटा पढ़ाई सब अच्छा चल रहा है ना सब अच्छे हो ना खुश और पढ़ाई तो बेहतर होनी चाहिए इस साल का एग्जाम में अच्छे मार्क्स आपके आने चाहिए चलो शुरू करते हैं हाइड्रोकार्बन शब्द पे ध्यान देंगे हाइड्रोकार्बन दो शब्द हैं हाइड्रो प्लस कार्बन हाइड्रो शब्द जो है वो वैसे तो वाटर से रिलेट है पर यहां पर हाइड्रो शब्द जो है पूरा का पूरा हाइड्रोजन से है हाइड्रोजन हाइड्रोजन यानी कि एच और कार्बन का मतलब तो जानते हो कि कार्बन है सी कार्बन और हाइड्रोजन से बने हुए कंपाउंड को ससंयोजी यौगिकों को हाइड्रोकार्बन कहते हैं मैंने क्या बोला आप कॉपी में लिख लिया करेंगे ना कॉपी में लिख लिया करेंगे कार्बन और हाइड्रोजन से बने हुए यौगिकों को हाइड्रोकार्बन कहते हैं मैं आपको इसके क्लासिफिकेशन के बारे में बातचीत करूंगा लेकिन कुछ बातें आपको थोड़ा सा समझना है हाइड्रोकार्बन कार्बन और हाइड्रोजन से बने हुए यौगिकों को क्या कहते हैं हाइड्रोकार्बन कहते हैं और हाइड्रोकार्बन में दो चीजें आपको समझ में आ गया कार्बन और हाइड्रोजन दो तत्व होगा कार्बन के बारे में पता है कि इसकी चार अंतिम कोष में इलेक्ट्रॉन होते हैं चारों अनपेयर होते हैं इसका मतलब है इसकी चार वैलेंसी होती है हाइड्रोजन के अंतिम कोश में एक इलेक्ट्रॉन होते हैं और एक ही रहते हैं इस तरह से इसकी वैलेंसी फोर है इसकी वैलेंसी वन है बस इसी का पूरा का पूरा खेल है खेलो कार्बन के साथ जितना खेलना है उतना खेलो जैसा चाहो वैसा करो कार्बन दो का कंपाउंड बनाओ कार्बन तीन का कंपाउंड बनाओ कार्बन चार का कंपाउंड बनाओ कार्बन पांच का कंपाउंड बनाओ कार्बन को जैसा चाहो वैसा लगाओ जैसा चाहो वैसा लगाओ कार्बन को आप एक एक बॉन्ड से तो पहले जोड़ ही सकते हैं यस एक 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 बॉन्ड से जुड़ा हुआ है एक एक बॉन्ड से जुड़ा हुआ है सिंगल सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है ऐसे जोड़ सकते हो कार्बन को कार्बन तो मतलब यह है कि कार्बन कार्बन ओपन चेन में भी चलता है खुले चेन में भी चलता है सीधी श्रृंखला भी बनाती है साइड चेन भी बनाती है और वो रिंग भी बनाती है, कितना आसान होता है ठीक है ऐसा कंपाउंड जो कार्बन और हाइड्रोजन से बना होता है हाइड्रोकार्बन कहलाता है जानवी जैसे बहुत बढ़िया बेटा बहुत बढ़िया तो यही यही चीज है कार्बन 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 आपस में जुड़ रहे हैं कार्बन 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 जुड़ रहे हैं कार्बन जुड़ रहे हैं ठीक है और जो बच गया जगह उस जगह पे आ जाएगा हाइड्रोजन इस जगह पर कार्बन की चार वैलेंसी एक पूरा हुआ चार वैलेंसी चार डंडे एक बच गया ये तीन बच गया तीन हाइड्रोजन बस यही खेल है और इसी खेल के साथ हमें आगे बढ़ना है तो सबसे पहले समझना है कार्बन हाइड्रोजन के बने हुए कंपाउंड को हाइड्रोकार्बन कहते हैं तो वो हाइड्रोकार्बन कौन कौन से हैं क्लासिफाई करते हैं वर्गीकरण करते हैं तो चलिए अपनी कॉपी में जरूर लिखिएगा आई एस रिद्धि और कृष्ण मुस्कान मिस मानसी अब बेटा चैटिंग करने की जगह नोट करते जाना बेटा चलो जल्दी से करेंगे नोट करेंगे मैं क्लासिफिकेशन करा देता हूं अगले स्टेप में हम देखेंगे क्लासिफिकेशन यानी कि वर्गीकरण लिखोगे क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन नोट करो हाइड्रोकार्बन का वर्गीकरण वर्गीकरण हाइड्रोकार्बन कितने प्रकार का होगा तो कैसे करेंगे सबसे पहले लिख लें हाइड्रोकार्बन हाइड्रोकार्बन दो प्रकार का होगा खुला चेन वाला और बंद चेन वाला खुली श्रृंखला वाली बंद श्रृंखला वाली तो खुली श्रृंखला वाली को क्या कहेंगे ओपन चेन हाइड्रोकार्बन यानी कि खुली श्रृंखला वाले हाइड्रोकार्बन दूसरा क्या होगा क्लोज चेन हाइड्रोकार्बन क्लोज चेन हाइड्रोकार्बन दो प्रकार का हो गया हाइड्रोकार्बन खुली श्रृंखला वाली और बंद श्रृंखला वाली दो प्रकार का हाइड्रोकार्बन हो गया ओपन चेन क्लोज चेन ओपन चेन कितने टाइप का होगा एक होगा अब इसको हिंदी में भी लिख सकते हो ना कुछ नहीं होता है हिंदी में लिखो इंग्लिश में लिखो मतलब तो एक ही दिमाग में समझ में आनी चाहिए हमको ठीक है तो ओपन चेन हाइड्रोकार्बन कितने प्रकार का होगा यह मूल रूप से दो प्रकार का होगा दो प्रकार का होगा एक होता है सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और दूसरा होता है अनसेचुरेटेड आप अपनी कॉपी में नोट करेंगे सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन मतलब क्या हुआ इसको कहते हैं हिंदी में संतृप्त हाइड्रोकार्बन मतलब होता है ऐसा हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में डबल और ट्रिपल बॉन्ड नहीं होता है सारी इस वैलेंसी कार्बन की सारी वैलेंसी या तो कार्बन से जुड़े होते हैं या फिर हाइड्रोजन से जुड़े होते हैं सिंगल बॉन्ड होगा सब जगह पे और यहां पर अनसेचुरेटेड ये दो टाइप का होगा कौन कौन सा वो भी देख लेते हैं तो चलिए सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जो होगा वो एलकेन कहलाता है क्या कहलाता है एलकेन कहलाता है इसके डिटेल्स बताऊंगा मैं भी थोड़ी देर में और अनसेचुरेटेड दो प्रकार का होगा जिसमें डबल और ट्रिपल बॉन्ड होगा अनसेच्युरेटिव हिंदी में क्या कहते हैं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन असंतृप्त हाइड्रोकार्बन ये दो प्रकार का होगा एक होगा एलकीन और दूसरा होगा एलकाइन इस तरह से ये दो टाइप का हो गया आप इसे नोट करेंगे अपनी कॉपी में बेटा चैटिंग करना बंद कर दो बस नोट करना शुरू कर दो बहुत बढ़िया से आपको समझ में आएगा ठीक है? है ना अभिषेक कुमार मानसी से क्या लेना देना आपको मन से कहां से है आपको सिर्फ पढ़ाई करना है तो चलो नोट करो फिर बात है क्लोज चेन हाइड्रोकार्बन ये कितने प्रकार का होगा इनके बारे में बात करते हैं क्लोज चेन हाइड्रोकार्बन को मूल रूप से हम तीन प्रकारों में बांट सकते हैं एलिसाइक्लिक बाइसाइक्लिक, एरोमेटिक एलिसाइक्लिक बाइसाइक्लिक और एरोमेटिक ठीक है, एलिसाइक्लिक, एरोमेटिक बाइसाइक्लिक और एरोमेटिक एक और शब्द आता है कि ये जो हाइड्रोकार्बन जो होता जो, जो, जो हाइड्रोकार्बन है वो भी दो टाइप का आपको देखने को मिल जाएगा जिसमें एक्चुअली वो हाइड्रोकार्बन में जो है और भी कार्बन जो होते हैं उस कार्बन के रिंग के अलावा दूसरी भी चीज होगी मतलब उनके बारे में हम डिटेल्स अभी नहीं करने वाले उसके बारे में बाद में बात करेंगे तो हाइड्रोकार्बन के इस तरह से हमने एक तरह से क्या कर लिया क्लासिफिकेशन कर लिया जिनमें से इनको एक एक करके हम देखते जाएंगे आप सबने नोट कर लिया होगा नोट कर लो बेटा जल्दी से नोट कर लो फिर आगे की बात करेंगे नोट बस करना है आपको कुछ नहीं करना है क्लोज चेन हाइड्रोकार्बन थ्री टाइप्स के होंगे ओके मानसिक मून कल ओके आगे चलें अगला स्टेप हम बढ़ते हैं आगे मेरे साथ आप नोट करोगे उतना ही स्पीड रहेगा रोकने की जरूरत नहीं पड़ेगी वीडियो बिल्कुल अब इसमें जो जरूरी चीज है पर चैटिंग बंद कर दो यार मस्त अच्छा एक बच्चे ने कहा नरेश सर 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 जी ओके ठीक है बेटा सुन लिया बाद में बात करेंगे क्या अच्छा रहेगा अब देखें हाइड्रोकार्बन में एक पढ़ने वाले हम लोग एलकेन सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में एल्केन मतलब कार्बन कार्बन के बीच में कभी भी सिंगली बॉन्ड रहेगा चाहे वो जैसा भी हो बस वो रिंग ना बनाता हो तो बात करें क्योंकि ओपन चेन में ही देख रहे हैं ना इस तरह से और वो साइड चेन में भी हो तो भी वही बात होगी ये सब ये सब हाइड्रोकार्बन जो है वो एल्केन ही होगा लेकिन अब यहां पर बात होगा इसका मतलब इसका फार्मूला क्या होगा फॉर्मूला होगा यानी कॉमन फॉर्मूला क्या होगा सामान्य सूत्र क्या होगा वो देखें इसका सामान्य सूत्र कोई बताएगा सामान्य सूत्र क्या है बताओ बेटा सामान्य सूत्र होगा सी एन एच टू एन प्लस टू यहां पर जो एन है वो एक्चुअली क्या है कार्बन की संख्या है कार्बन की संख्या है काफी आसान है कार्बन की संख्या है कार्बन की संख्या मतलब कार्बन अगर एक है ताँएगा ताँएगा। यदि n की वैल्यू वन यानी कार्बन की संख्या एक है तो क्या होगा सी वन एच टू इंटू वन प्लस टू तो टू इंटू वन यानी कितना हुआ टू प्लस टू यानी कि फोर सी एच फोर होगा यदि n की वैल्यू वैल्य टू है तो क्या होगा सी टू होगा H कितना होगा दो गुणा दो यानी कि चार प्लस टू यानी सिक्स इसी तरह से सी एन वैल्यू यहां पर एन की वैल्यू अगर थ्री है तो क्या होगा सी थ्री एच एट इस तरह से कार्बन के दुगुणों में भी एक दो हाइड्रोजन प्लस कर दिए सारे बच्चों को पता है कोई प्रॉब्लम नहीं है मजा आ रहा है और क्या चाहिए अब हाइड्रोकार्बन ये हुआ इसमें से ये हुआ एलकेन एल्केन का सामान्य सूत्र क्या हुआ सी एन एच टू एन प्लस टू ये सब अब किसी में भी चेक करोगे ना तो ये फॉर्मूला फिट हो जाएगा किसी में भी चेक करो ये फॉर्मूला फिट हो जाएगा अब देखो यहां पर हाइड्रोजन कितना है आपको पता है सी एच थ्री सी एच थ्री क्योंकि तीन बॉन्ड बचता है इसमें तीन बचा है इसमें दो बैलेंसी बची इसमें तीन बैलेंसी बची है मतलब ये क्या हो गया सी एच थ्री सी एच टू सी एच थ्री सबको क्लियर है ना कार्बन की चार बैलेंसी चार बैलेंसी एक पूरा हो गया एक दो तीन बचा दो पूरा हो गया दो बचा इधर दो पूरा हो गया दो बचा एक पूरा हुआ तीन बचा अब हाइड्रोजन कितना लगेगा जितने डंडे हैं, उतने हाइड्रोजन लग जाएंगे सबको क्लियर है भाई सबको क्लियर है भाई है ना सबको समझ में आ रही बेटा अमरजीत यादव चलिए ठीक है आपको चैटिंग की जगह पढ़ना चाहिए पढ़ना चाहिए लिखना चाहिए तो हाइड्रोकार्बन में यह हुआ एल्केन और एल्केन में कुछ नहीं बिल्कुल सिंपल सा नामकरण होता है वो ये है कि अगर ओपन चेन है सीधी चेन वाला है तो उनका नामकरण बहुत आसान होता है एल्क प्लस एन लिख दो उसका नाम हो जाएगा एल्क में एक कार्बन है तो मेथ हो गया दो हो गया तो ईथ हो गया तीन हो गया तो प्रोप हो गया सबको पता है और एन लगा देना है इस प्रकार से इसका नाम हो जाएगा मीथेन इसका नाम हो जाएगा इथेन इसका नाम हो जाएगा प्रोपेन कितना आसान है इसका मतलब ये मीथेन है ये इथेन है ये प्रोपेन है तो सी फोर एच टेन ये ब्यूटेन है सीधी सी कहानी ठीक ऐसा ही करना है कितना आसान है मजा आता है सारे स्टूडेंट जो कह रहे हैं कि मैं नया स्टूडेंट हूं नो प्रॉब्लम बेटा आप पढ़ो तो सही एक बार क्लियर समझ में आएगा मैं दूसरी बात बताता हूं एक और पॉइंट अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन दो टाइप का होता है एक होता है एल्किन और दूसरा होता है एल्काइन हम पढ़ेंगे एल्किन एल्किलकीन मतलब मतलब यहां पर इन इन का मतलब होता है डबल बॉन्ड यानी दो कार्बन के बीच में कहीं पर डबल बॉन्ड होगा मतलब कम से कम दो कार्बन होना जरूरी है इस तरह से ये लीजिए डबल बॉन्ड कहीं पर भी हो और ये सारे कार्बन का नामकरण भी आसान है क्योंकि एल्क में इन लगा देना है दो कार्ब तीन कार्बन है तो हमने तीन कार्बन को प्रोप कहते हैं और लगा देंगे ई e एन ई -E, प्रोपिन दो कार्बन है हम कहेंगे ईथ लगा देंगे ई e एन ई -E, एथिन और इसी तरह से चार कार्बन है तो लगाए ब्यूट चार कार्बन को ब्यूट कहते हैं मेथ इथ प्रो ब्यूट पेंट है इतना तो याद रखो और इसमें हो जाएगा इन इसमें ये अब यहां पर इस तरह के नामकरण करने के लिए कुछ तो सीखना पड़ेगा बिना सीखे तो आईयूपी से नामकरण आएगा नहीं तो वहां पर सिखाने के लिए मेरे पास टाइम है एक दो तीन चार पांच पांच है आईसो पेंट आ, आईसो ब्यूटीन सॉरी पेंटीन ऐसा हो जाएगा नाम लेकिन यहाँ पर समझने वाली बात और कुछ होगी आई यू पी सी के नेम के तहत जो साइड चेन होता है इसको वन टू थ्री फोर साइड चेन को एक कार्बन हो तो मेथ कहेंगे और उसमें लगाएंगे वाई एल और दूसरे कार्बन है टू और चार कार्बन है तो ब्यूट सिंगल बॉन्ड एन कहेंगे तो टू मेथर ब्यूटेन्स बहुत ब्यूटीन ब्यूटीन ई ई ई एन बेटा पर e -E. तो इसके बारे में हम बातचीत और करेंगे जब आईओपी आपको समझाएंगे बहुत आसानी से पूरी चीजें एक-एक के समझाऊंगा मैं आपको बस अब इसका सामान्य सूत्र क्या है कौन बताएगा सामान्य सूत्र क्या है इसका सी एन एच टू एन बस इतना ही होगा देख लो चक्कर लो कितना हाइड्रोजन आएगा चक्कर लो इस कार्बन की एक वैलेंसी पूरी हुई तो तीन बचा हुआ है इसकी तीन पूरा हुआ है तो एक बचा हुआ है इसका दो पूरा हुआ है तो दो बचा है तो यहां पर हाइड्रोजन आपका आ गया बेटा तीन यहां पर एक यहां पर दो टोटल हाइड्रोजन कितना लगा बताओ टोटल हाइड्रोजन कितना लगा सिक्स कार्बन तीन है हाइड्रोजन सिक्स है देखो कार्बन एन और हाइड्रोजन उसके जिस दुगुने होंगे बिल्कुल आसान तो यह है इसका सामान्य सूत्र एग्जाम में तो पूछते हैं लेकिन का सामान्य सूत्र बताइए बिल्कुल आसानी से आप बता सकते हैं तो किसी का भी करेंगे तो वैसा ही होगा इसमें दो कार्बन है तो चार हाइड्रोजन होगा सी टू एच फोर को दिखा रहा है इसमें कितना है पांच कार्बन है तो पांच कार्बन की होगा सी फाइव एच टेन होगा इसका कितना चार कार्बन है तो सी फोर एच एच एट होगा यस एच एट होगा ये एलकीन है अब जो मैं बताऊंगा वो बहुत जरूरी पार्ट है वो है ये एलकेन बनाने की विधि में जाऊंगा फिलहाल एक और चीज बता देता हूं मैं आपको एलकाइन आप में से कितने बच्चों को बता है एल्काइन क्या है एलकाइन बताएं बेटा एलकाइन एलकाइन क्या है कोई बताएगा आप में से कोई भी एलकाइन एलकाइन एल्क प्लस वाई एन ई वाई एन ई के लिए क्या होता है दो कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड वाला कंपाउंड है इसका सामान्य सूत्र कोई बताओगे सामान्य सूत्र होगा क्या सी एन एच टू एन माइनस टू दो हाइड्रोजन और कम हो गया ट्रिपल बॉन्ड लग जाएगा तो कार्बन कार्बन के बीच में अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो इसमें सिर्फ एक एक हाइड्रोजन लग सकता है तो ये दो कार्बन को बोलेंगे ईथ और लगाएंगे क्या वाई एन ई -E, तो इथाइन इसी तरह से कार्बन 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 कार्बन, कार्बन, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड लग गया एक दो तीन चार पाँच पाँच को बोलेंगे पेंट और लगा देंगे वाई एनी पेंटाइन इसमें वैसे कार्बन कितना हाइड्रोजन कितना है कार्बन दो हाइड्रोजन दो इसमें कितना होगा कार्बन एक दो तीन चार पाँच पाँच हो गया सी फाइव सी फाइव और एच जो कितना आएगा सी फाइव का दोगुना यानी दस दस में दो गया आठ तो ये हो गया एच इट इस तरह से ये एल्काइन होता है अब मैं आपको नामकरण पढ़ाऊंगा नामकरण अब मैं पढ़ाऊंगा बनाने की विधियां तो अपनी कॉपी ओपन कर लो रिएक्शन लिख लिख के देखना है आपको बताते जाऊंगा चलिए पहले बनाने की विधियों की तरफ एल बनाने की विधियां मैं आपको बताना शुरू करता हूं बहुत सारे बच्चों को याद भी होगा किसी बच्चे को अगर याद है तो बताओ वुड्स रिएक्शन क्या है चलिए वुड्स रिएक्शन किसी बच्चे को याद हो रहा हो तो बताएंगे मैं अब आपको पढ़ाऊंगा प्रिपरेशन ऑफ एलके यानी कि एलकेन बनाने की बनाने की विधियां बताइए एलकेन बनाने की विधि में एक विधि में आपको बता रहा हूं वुड्स मेथड, वुड्स रिएक्शन लिख देता हूं वुड्स रिएक्शन वुड्स रिएक्शन वुड्स अभिक्रिया वुड्स अभिक्रिया ठीक है अब बताओ कितने बच्चों को याद है वुड्स रिएक्शन ओके डाली डाली वर्मा संदीप अभिजीत कुमार एजुकेशन विथ विकास बताओ बेटा कृष्णा आई एस चलिए चलिए वुड्स रिएक्शन बिल्कुल सिंपल सा रिएक्शन है कि कि यहां पर हम बोलेंगे एल्किल की एल्किल हैलाइट इसका मतलब क्या एल्किल की इथरी विलियन लिखते जाओ इथरी विलियन को सोडियम धातु के साथ गर्म करने पर के साथ गर्म करने पर मैं एक सिंपल आज लिख के पढ़ा रहा हूं कोई साइड नहीं दे रहा हूं ताकि आप सबको यह विश्वास हो जाए कि मैं भी लिखता हूं गर्म करने पर एल्केन बनता है पहले तो रिएक्शन बनाने आना चाहिए बेटा आप सबको तो एलकेन बनता है बिल्कुल सिंपल सा एकदम साधारण सी भाषा है। एल्किल एल्किल एल्केलाइट को आप कैसे लिख सकते हो आर एक्स के ईथरी विलियन मतलब इथर में घुला हुआ सॉल्यूशन है एल्किल हेलाइट का एल्काइल हेलाइट ईथर में घुला हुआ है और सोडियम धातु के साथ उनकी रिएक्शन कराओगे तो एल्केन बनेगा वेरी गुड बहुत बढ़िया लिख रहे हो कि नहीं लिख रहे हो कॉपी में लिखो बेटा लिखो लिखोगे तो दिमाग चलेगा लिखोगे तो दिमाग चलेगा और जहां दिमाग चलेगा तो फिर सक्सेस आपके हाथों तो में रहेगा क्योंकि तभी एग्जाम में आप लिख पाओगे अन्यथा लिख ही नहीं पाओगे एग्जाम एग्जाम में लिखने के लिए बहुत जरूरी है एक बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है एग्जाम में अक्सर पूछते हैं ये बात आप समझ लो दिमाग में डाल लो कि यह पूछा ही जाता है बहुत ज्यादा पूछा गया इस क्वेश्चन को तो बताओ क्या होगा एल्काइल हेलाइट और एक पॉइंट और लिखूंगा थोड़ी देर में इतना तो कम से कम लिखो एल्काइल हेलाइट तो मैंने लिखा एल्काइल हेलाइट अब आप सबको बता दूं आर का मतलब तो आप जानो क्या है एल्काइल होगा एल्काइल रेडिकल है ना एल्काइल मूलक एल्काइल रेडिकल है रेडिकल है इससे आर शब्द आया हुआ है ये क्या हो सकता है सी एन एच टू एन माइनस वन और इसमें एक डैश लगा दिया मतलब क्या हुआ कार्बन एक कार्बन है तो सी एच थ्री हुआ और एक वैलेंसी बचा है दो कार्बन का है सी टू एच फाइव है एक वैलेंसी बचा हुआ है तीन कार्बन है सी थ्री एच एट होगा एट में हो गया सेवन तो एक का एक वैलेंसी बची हुई ये सब होगा जिसमें एक वैलेंसी बची हुई है और वो मतलब एक तरह का कार्बन की श्रृंखला है जो किसी से जुड़ना चाहता है और दूसरी बात आपको बता दें यहां पर लिख देता हूं X X का मतलब होता है यानी कि हेलोजन हैलोजन हेलोजन मतलब फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन इनमें से कोई भी तो इसका मतलब है आर एक्स का मतलब क्या हुआ आर एक्स का मतलब हुआ सी एच थ्री सी एल सी टू एच फाइव सी एल या सी टू एच फाइव बी आर आप मतलब इन दोनों को कोई भी किसी के साथ आप चिपका दो चिपक जाएगा बात समझ में आ गई किसी को किसी के पास चिपका दो चिपक गया बस वही चिपकाना है तो इस तरह से हम कह सकते हैं तो ये हुआ मैं रिएक्शन करके दिखाता हूं फिर आपको एग्जाम्पल बताऊंगा और फिर उसके बाद इजी हो जाएगा एग्जाम में ऐसे ही लिखना है भैया आपको बिल्कुल बेटा लाइक करना भूल गए हो लगता है अगर लाइक करना भूल गया हो तो पढ़ाई कैसे होगी यार मेरा दिल टूट जाएगा भाई दिल टूटने नहीं देना है शिक्षक का लाइक करते हो तो लगता है कि बच्चा पढ़ रहा है समझ रहा है और जो सब्सक्राइब नहीं किया है ना ऐसा ब्लेम नहीं करूंगा ना, नहीं कर रहे हो कर रहे हो बहुत सारे बच्चे कर रहे हो लेकिन अब, अब दिल लगा के करो ताकि वन मिलियन हमारा सब्सक्राइबर हो जाए और ये फैमिली बड़ी हो जाए ताकि सबके साथ हम बात कर सके सबको सबके साथ हम एक सेलिब्रेशन कर सकें जल्दी से जल्दी वेरी गुड वेरी गुड चलिए बेटा और एक काम और है एक जगह और सब्सक्राइब करो प्राइम हैप क्लासेस वो भी बहुत जरूरी है कि वो चैनल आपको सारे सब्जेक्ट लेके दे रहा है और उसमें आप जरूर जाइए चलिए साहब यहां पर ध्यान दें इसका रिएक्शन किसके साथ करा रहे हैं बेटा सोडियम के साथ फिर गर्म कर रहे हैं किसकी उपस्थिति में यह कहां घुला हुआ है इथर में घुला हुआ है तो मैंने यहां पर लिख दिया ईथर यह कोई बच्चा पूछेगा ईथर क्या है तो मैं जरूर बताऊंगा लेकिन यहां पर अभी फिलहाल जानने जाने की जरूरत नहीं है इस चीज का अभी कोई जरूरत नहीं है बस जरूरत है इन दोनों के बारे में सोचने की देखिए भैया बिल्कुल सिंपल सी बात कह रहा हूं वो ध्यान से सुनिए सोडियम जो होता है हेलोजन के साथ सोडियम जो होता है किसके साथ हेलोजन के साथ ये जो सोडियम है वो किसके साथ हेलोजन के साथ निकल जाएगा दोनों रिएक्शन करके निकल जाएगा क्योंकि सोडियम और ये हाइलोजन क्या क्लोरीन हो सकता है ब्रोमीन हो सकता है आयोडीन हो सकता है सोडियम क्लोरीन के साथ जुड़ता है आपको पता है ये बात आपको पता है ये बात सोडियम क्लोरीन के साथ जुड़ करके एन ए सी एल बना करके बड़ा खुश रहता है नमक आपके पास पड़ा रहता है वो किसी से रिएक्शन नहीं करती बड़ा खुश रहता है वैसे ही एनए एक्स के साथ जुड़ जाएगा एन ए एक्स के साथ जुड़ जाएगा तो एन एक्स के साथ जुड़ने पर क्या बनाएगा वो जरा देखें एन एक्स के साथ जुड़ करके ये बना लेगा एन एक्स बच गया भैया आर और आर के बारे में ये जानते हो कि उसकी एक वैलेंसी बची है देख लो इसकी एक वैलेंसी बची हुई है सीएस थ्री बचा हुआ एक वैलेंसी ऐसे कई बन गए ऐसे ही हमने कई मॉलिक्यूल्स हमारे पास है आर एक्स आर एक्स एन ए बहुत सारे मॉलिक्यूल एटम है एटम है वो सब एनए एक्स को लेकर के एन एक्स को लेकर के निकलते गया निकलते गया निकल गया ऐसे बहुत सारे आर पड़े हुए हैं और आर की वैलेंसी बची है तो दो आर आते हैं और ऐसे जुड़ जाते हैं बस यही कहानी है तो एक आर और आके जुड़ गया तो ये आर टू बन गया सो ये दो बार हमको लेना पड़ा क्योंकि दो बार आर जुड़ा है और एक्स दो हो गया मैंने यहां पर दो करा तो एन ए भी दो हो गया और सू किया अब बताओ एक एग्जाम्पल मैं अगर लेके चलू इस रिएक्शन के लिए तो क्या होने वाला है यहां पर है सी एच थ्री सी एल और मैंने रिएक्शन कराया एनए के साथ तो क्या बनेगा बताओ ईथर के प्रेजेंस में रिएक्शन है और क्या होगा ये सोडियम ले लेगा क्लोरीन और ये निकल जाएगा सी बन करके बच गया सी एच थ्री सी पर चार है। होती है बेटा तीन के साथ तो हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है बताओ एक वैलेंसी बचा है कि नहीं बचा है बचा है ना तो ऐसी कई सी एच थ्री बनेगा और सारे सी थ्री आपस में दो दो सी थ्री मिलकर के आपस में जुड़ने लगेगा तो ऐसे एक और सीएस थ्री जुड़ गया देखो बॉन्ड और इस तरह से क्या बन चुका है मुझे लगता है कि सारे बच्चों को वुड्स रिएक्शन क्लियर हो चुका है बोलिए yep. जी नरेंद्र कह रहे हैं कि सर आपके पढ़ाने का तरीका अच्छा लगता है थैंक यू बेटा जी थैंक यू बहुत बढ़िया बहुत सारे बच्चों ने गुड लक लिखा है बहुत सारे बच्चों ने एन लिखा है बहुत सारे बच्चों ने जी।, आ जी सर लिखा है बहुत सारे बच्चों ने लिखा है बहुत अच्छा हाँ हाँ बोलो हां बोलो हां बोलो चलो सी एस 3 सी एस 3 जोड़ करके तो क्या बन गया बेटा सी2 एस6 मतलब ये दो बार आया मैंने दो लिख दिया चलिया सी एच 3 दो बार है दो बार लिया सी एल दो बार है मैंने दो लगाया एन ए दो हो गया दो हो गया इस तरह से रिएक्शन आगे बढ़ रही है क्या आप और भी रिएक्शन करके देख सकते हो अपनी कॉपी में लिखो ये पहला एग्जांपल हो गया दूसरा मैं ये कह दूं यदि कि C2H5 बी आर का रिएक्शन सोडियम मेटल के साथ कराते हैं ईथर के प्रेजेंस में क्या ये वुड्स रिएक्शन नहीं है बोलो वुड्स रिएक्शन नहीं है है सोडियम ले लेगा बी आर तो क्या बनाएगा एने बी आर क्या बच गया बोलो सी टू एच फाइव बच जाएगा और सी टू एच फाइव सी टू एच फाइव आपस में जुड़ जाएगा सबको पता है बोलो यस सी टू एच फाइव सी टू एच फाइव दो ठो जुड़ जाएगा बैलेंस कर दो ना बैलेंस कर दो दो बार हुआ मैंने दो लिखा बी आर भी दो हो गया इसके चक्कर में मैं इसे दो बार लेना पड़ेगा दो बार सोडियम हो गया दो बार कर दिया बैलेंस हो गया मतलब मैं लिख रहा हूं सी टू एच फाइव बी आर का रिएक्शन होता है टू एन ए के साथ ईथर के प्रेजेंस में ईथर में घुला हुआ है क्या इथाइल ब्रोमाइड और बन जाता है टू एन ए बी आर और मैं इसको लिख दूं सी फोर एच टेन लिख सकता हूं भाई यानी कि यह सी टू एच सिक्स है क्या देख रहे हो क्या देख रहे हो यहां पर आप देख रहे हो कि बनने वाला हाइड्रोकार्बन जो है यह हाइड्रोकार्बन है यानी एलकेन है बनने वाला जो एलकेन है वो कैसा है बनने वाला एलकेन सम कार्बन संख्या वाला है इवन नंबर में कार्बन है कार्बन संख्या कितनी है नंबर ऑफ कार्बन इवन नंबर में है तो इवन नंबर वाला है सो so, यहां पर आप एक लाइन और जोड़ दीजिए ताकि आपको वो बात बिल्कुल क्लियर समझ में आ जाए थोड़ा छोटा कर देता हूं लिखते समय ये यह चीज यहां पे रहेगी चलो यहां पे लिख देता हूं बनने वाला हां लिख देता हूं संख्या यानी इवन नंबर संख्या वाले एलकेन बनता है बनता है जब तक आप ऐसा नहीं करोगे काम कैसे चलेगा बोलो तो ये हुआ वुड्स रिएक्शन ठीक है लक्ष्मी नारायण इबाद एंगल रवि आनंद गुप्ता प्रणव प्रवन अभिषेक विकासमान विक्रममान है विक्रममान बहुत सारे बच्चे आए हुए हैं अभिषेक आया हुआ है और वो कह रहा है कि उनको समझ में आ रहा है ठीक है अब चलते हैं आगे और एक मेथड। क्या बनाने की विधि एलकेन बनाने की विधि की तरफ चले ठीक है चलिए नेक्स्ट है ऐसे ही कुछ रिएक्शन के बारे में कुछ बातों को समझेंगे वुड्स रिएक्शन के बाद आपके पास आएगा दूसरा रिएक्शन है वो है फ्रैंकलैंड। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है फ्रैंकलैंड रिएक्शन फ्रैंकलैंड अभिक्रिया इससे भी बनाते हैं बिल्कुल सेम तरीका है बस एक चीज अलग हो जाएगा वो है सोडियम की जगह जिंक मेटल मतलब सब कुछ वही होगा किसकी उपस्थिति में ईथर और क्या और क्या एल्किल एल्केलाइट अब एल्किल एल्केलाइट क्या है सबको समझ में आ चुका है सब बच्चे जानते हैं अब बताओ इनमें से कितने बच्चे हैं सर मजा इनटू हंड्रेड आ गया ओके okay, मजा क्यों नहीं आएगा भैया मजा लाना है पढ़ाई सजा नहीं है पढ़ाई मजा है पर याद रखो भाई पूरा का पूरा देखो पूरा का पूरा लिखो तब समझ में आएगा एक बच्चे ने लिखा है नहीं समझ में आया गोपाल सर ये भाई साहब गोपाल जी आपको समझ में नहीं आया मैं क्या कर सकता हूं भाई साहब आप वीडियो देखते नहीं हो कभी कभार देखते हो तो प्रॉब्लम तो होगा ही होगा सर चलिए जिंक एक्स के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या होगा जिंक की वैलेंसी टू एक्स की वैलेंसी एक तो एक जिंक दो एक्स लेगा ये याद रखिएगा जिंक की वैलेंसी टू होती है जेड एन प्लस टू ये याद रखने का चीज है फॉर्मूला बनाने आना चाहिए चलिए एक्स के साथ एक्स टू हो जाएगा प्लस उन्हीं बच्चों को समझ में नहीं आएगा जो समझना ही चाहते हैं ध्यान रखोगे समझने के लिए आपको मैंने कहा प्री बेसिक क्लासेस देखो जीरो लेवल क्लासेस देखो हमारे चैनल में अवेलेबल है आप चैनल ओपन करने आता होगा तो बिल्कुल आता नहीं आता है तो कॉल करिए नीचे नंबर लिखा हुआ है इस कॉल को करें और आ जाएगा और ज्यादा है तो और पेड कोर्स की तरफ चले जाओ बहुत कुछ मिलने वाला है बिल्कुल जबरदस्त हमने क्रैश कोर्स भी लॉन्च कर दिया क्लास ट्वेल्थ वालों के लिए बात समझो हां एक और मजेदार बात अब एडवांस में ट्वेल्थ का एडमिशन हो रहा है और आपको इसी साल के फीस में आपको आने वाले साल की क्लास का जो है एडमिशन मिल जाएगा क्योंकि आने वाले साल में तो फीस बढ़ेगा ये आपको सबको पता है सो so, आप समझ सकते हैं सो so, इस साल और आपको एक बड़ा बेनिफिट और मिल जाएगा कि ये जो चार महीने का आपको एक्स्ट्रा सब्सक्रिप्शन मिलेगा ये भी आप ध्यान रखिएगा इस नंबर पर कॉल करें सुबह दस से शाम को पांच बजे के बीच समझ रहे हैं ना आप लोग अब चलते हैं पढ़ाई की तरफ भाई साहब जिंक एक्स के साथ रिएक्शन करता है जेड एक्स टू हो गया ये एक्स टू कैसे हो गया वैलेंसी टू है दो एक्स रखने वाला गुण है इसमें जिंक में रख लिया अब क्या होगा अब ये एक्स दो बार है तो मैंने टू कर दिया दो बार आर है आपस में जुड़ जाएंगे आर टू हो जाएगा अब बताओ रिएक्शन करके देखो कुछ एग्जाम्पल ले लो एग्जाम्पल चलो ले लेते हैं इस रिएक्शन का बस बोलोगे कैसे वहां पर बोले थे के इधरी की क्रिया धातु से कराते हैं तो बनता है बस बनने वाला में की संख्या, में होती है बस सेम बोलना है, है. सोडियम धातु की जगह जिंक धातु लिख देना ठीक है जैसे यहां पर सोडियम धातु लिखे थे ना पर सोडियम धातु लिखे थे ना सोडियम कहीं पे लिखे सोडियम कहां है एने धातु उस जगह पे लिख देना जिंक धातु बस बात खत्म बन जाएगा यार और कुछ नहीं है भाई साहब चलो इस जगह पे जिंक लिख देना बस थ्योरी वही है कुछ नहीं प्रॉब्लम है तो बताओ सी एच थ्री सी एच थ्री सी एल लेता हूं चलिए सी एच थ्री सी एल अब रिएक्शन करके दिखा सकते हो क्या बोलो ईथर गर्म कर दिया हल्का गर्म करना पड़ेगा ज्यादा नहीं जिंक क्लोरीन से रिएक्शन करके क्या बना लेगा जिंक सीएल टू दो बार सी एल दो बार सी एल के लिए ये दो बार दो सी एच थ्री सी एच थ्री सी एच थ्री जुड़ गया सी टू एच सिक्स बन गया सीधा सा मतलब है सी टू एच सिक्स लिखोगे बेटा तब समझ में आएगा देखने से नहीं कभी भी वीडियो देखने से कभी भी टीचर को देखने से कभी भी उसके पढ़ाने को देखने से कभी उसके नाचने से डांसर नाच रही है उस पिक्चर को देखने से आप डांसर नहीं बन जाओगे गायक गा रहा है गायक गायिका गा रही है तो आप गायक या गायिका नहीं बन सकते आपको उन्हीं के साथ गुनगुनाना पड़ेगा उन्हीं के एक्शन के को अपनाना पड़ेगा जिस जोश के साथ वो गा रही है वैसे ही गाना पड़ेगा तो हर चीज उन्हीं के अनुसार करना पड़ेगा मैं टीचर हूं मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो आप भी खड़े होकर पढ़ाना शुरू कर दो लिखना शुरू कर दो बोलना शुरू कर दो चिल्लाना शुरू कर दो कितने बच्चे बोलते हैं यार क्लास के साथ बोलो बोलते हो कुछ हाँ की ना नहीं तो हम कुछ नहीं कर सकते बोलते हो यस तो बोलो यार बोलो बोलो बेटा यस कौन है मेरे साथ जो बोलते हैं वो कौन है बच्चे यस लिख के दिखाओ मैं जान जाऊंगा एक बच्चे ने लाइक लिखा है लाइक लिखने से नहीं बोलो मुंह से यस तो बोलो लिखो यस यस नहीं लिख सकते वाई तो लिख लो यस ये बच्चे चिल्ला चिल्ला के बोलते हैं उनके घर वाले उस पर प्राउड फील करते हैं यार मेरा बेटा पढ़ रहा है विक्रम सर के पास पढ़ रहे हैं बिल्कुल यही तो पढ़ाई है बेटा जोश हो बॉडी में तब दिमाग में जोश आएगा यस चलो हो गया क्या अब चलो कौन बच्चा बता सकेगा सी टू एच फाइव बी आर अब बन जाएगा जिंक के साथ बेटा जी बोलो यहां पर क्या आएगा यहां पर क्या आएगा यहां पर क्या आएगा और यहां पर क्या आएगा बता सकेंगे बोलो यस हां सर बोलो जल्दी से क्या आएगा क्या आएगा बोलो जल्दी से हाँ जी हां जी बहुत सारे बच्चे बता रहे हैं सब बच्चे ने लाइक किया है यस लिखा है घर में चिल्ला रहे हैं घर वाले खुश हैं देखो आपके मम्मी पापा खुश हो गए कि मेरा बेटा बोल रहा है यस yes! यही तो होती बेटा पढ़ाई और जल्दी से लाइक ठोक दो यार दो चार है ना और फिर एक बात याद रखना बेटा रिवीजन जरूर किया करो क्लास के साथ और मैं बोलूंगा अपलोड वीडियो हाइड्रोकार्बन का देख लो और चैप्टर नंबर ट्वेल्व देख लो अगर इलेवंथ में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बेस्ट होना है यस yes! हम लोग यहां पर फालतू नहीं कर रहे हम लोग चिल्ला नहीं रहे हम आपके साथ बात कर रहे हैं आपको सुना रहे हैं आपकी बातें हमारी बातें सुनने वाले बन गया एक बच्चे ने लिख दिया इसका आंसर क्या है जिंक बी आर के साथ रिएक्शन करने पर बनाएगा जेड एन बी आर टू मैंने बोला था वैलेंसी टू है तो टू ही आएगा भैया टू ही आएगा यार और सेकेंड ये बन गया तो दो बार लगेगा और सी टू एच फाइव दो बार है सी टू एच फाइव सी टू एच फाइव जुड़ता है सी फोर एच टेन सी फोर एच टेन बनता है और तो गर्म कर रहे हो यार हीट कर रहे हो यार कितना मजा आ रहा है सचमुच में आप जब लाइक करते हो ना तो सुपर लगता है दिल खुश हो जाता है फिर बोले यार खेलने का मन करता है आपके साथ बस ठीक है खेलना आपकी फ्यूचर को बेहतर बनाने के लिए हम लगनशील हैं बस इतना ध्यान रखिएगा बस इस नंबर पे जब जरूरत पड़े कॉल करिए कभी तकलीफ भी होगी कभी डांट भी देंगे गलती करोगे तो डांटेंगे क्यों नहीं डांटेंगे रात को दो बजे कौन कॉल करता है रात को दस बजे ग्यारह बजे कौन कॉल करता है यहां पर ग्यारह बजे कॉल करने वाले बच्चे भी हैं क्या करेंगे अपन तो वैसा ना करें चलिए आगे चलते हैं यह हुआ वोड्स रिएक्शन एक और रिएक्शन बताता हूं थोड़ी सी और अलग तरह के रिएक्शन है वो है वो रिएक्शन है ग्रिगनाड रिएक्शन ग्रिगनाड रिएक्शन, ग्रिगनाड अभिक्रिया ग्रिगनाड अभिक्रिया ग्रिगनाड अभिक्रिया क्या है ग्रिगनाड रिएक्शन क्या है जरा सोचें। जैसे कि आपने वुड्स रिएक्शन किए हो जैसे कि आपने फ्रेंकलर रिएक्शन किए हो वैसा ही है पर थोड़ा सा अंतर है वो अंतर क्या है जरा देखते हैं मैं फिर से लिख रहा हूं ना वैसे ही बातें एल्किल है। हेलाइट हैलाइड की मैग्नीशियम एम मैग्नीशियम धातु मिनट मैं यहां पर थोड़ी सी बातों को और कवरअप कर देता हूं कि वेलियन की इथरीय सोल्यूशन इथरीन की एल्केल हेलाइट की इथरीविलियन यानी इथर में गुला एल्किल एल्केलाइट की मैग्नीशियम धातु Mg जी धातु मैग्नीशियम मेटल के साथ के साथ नोट करो बेटा नोट करो साथ अभिक्रिया कराने पर कराने पर एल्काइल मैग्नीशियम हैलाइट यानी कि आर एम जी एक्स जिसको कहते हैं ग्रिगनाड रिएजेंट ग्रिगनाड रिएजेंट ग्रिगनाड भी कर्मक बनता है ये एक बात हो गया दूसरी बात इसका मतलब बताऊंगा ना अभी अब बड़बड़ाई ये मत ग्रिगनाड रिएजेंट की जिनकी जल से क्रिया कराने पर पर एलकेन बनता है एलकेन बनता है यह एक बात है क्या बनता है एलकेन बनता है। बस इतनी बातों को अगर आपने नोट कर लिया तो बात बन गई इतनी बातें अपने कॉपी में नोट क्लियर कर लिया तो बात बन गई अब देखो लिखना तो चाहिए ना थोड़ा सा थ्योरी इसलिए हमने लिख दिया वैसे हम समझा देते आपको ज्यादा कठिन नहीं होता देख मक्खन प्रजापति क्या बोले क्लियर नहीं दिखाई दे रहा है मैंने बोला उसको तो सुनाई दे रहा है उसको देख के तो लिखो यस उसको के तो लिखो ठीक है बेटा थोड़ा सा क्लियर दिखेगा तब जब बेटा आप अपने रेजोल्यूशन को बढ़ा लो है ना 420 के आसपास रेजोल्यूशन रख लो दिखेगा कोई परेशानी नहीं होगी चलो अब समझाता हूं एलकाइल की रिएक्शन किन के साथ हो रहा है मैग्नीशियम मेटल के साथ मैग्नीशियम धातु के साथ और इसकी भी वैलेंसी बेटा जी दो होता है इसकी भी वैलेंसी दो होता है जैसे जिंक की वैलेंसी दो होता है इसका भी वैलेंसी दो होता है परंतु तो इसकी जो विशेषता है ना कुछ अलग टाइप का है एक मिनट सॉरी मैंने क्या बोला एल्किल हाइलाइट का रिएक्शन किसके साथ मैग्नीशियम धातु के साथ किसकी उपस्थिति में ईथर की उपस्थिति में जरा समझेंगे इसकी रिएक्शन इसकी वैलेंसी क्या होता है यह मैंने बताया इसमें क्या होता है जैसे पहले क्या होता है इस बॉन्ड टूटता था एक्स अलग निकल जाता था और धातु के साथ जुड़ जाता था यहां पर क्या होता है यह बॉन्ड टूट करके अलग हो गया आर अलग हो गया एम जी अलग हो गया तो एम जी आर अलग हो गया एक्स अलग हो गया तो इसकी दोनों वैलेंसी में एक वैलेंसी के साथ आर जुड़ जाता है और दूसरे के साथ एक्स तो मैग्नीशियम की दोनों वैलेंसी कंप्लीट हो जाती है इसको बोलते हैं ग्रिगनाड रिएजेंट इसको क्या बोलते हैं ग्रिगनाड रिएजेंट इसको बोलते हैं ग्रिगनाड रिएजेंट कहते हैं ठीक ग्रिगनाड रिएजेंट कहते हैं और इस तरह से जो ग्रिगनाड रिएजेंट जो बनता है उस ग्रिगनाड रिएजेंट का हम अगले स्टेप में एक स्टेप और बना देता हूं एक स्टेप और बना देता हूं उसको मैं दो स्टेप में लिख रहा हूं स्टेप यानी कि पद बोल सकते हो स्टेप फर्स्ट और स्टेप, स्टेप सेकंड तो जो बना हुआ है ना ग्रिगनाडियजन आर एम जी एक्स उनकी पानी के साथ रिएक्शन कर देते पानी यानी जल जल ये पानी है पानी का ओ एच निगेटिव होता है एच पॉजिटिव होता है ये वाला टूटेगा आर के पास टूटता है एक्स के पास कभी नहीं टूटेगा दिमाग में डाल लो इस बातें आर के पास टूटेगा एम जी एक्स अलग हो जाएगा तो एम जी पॉजिटिव पार्ट है और इसके कारण ये नेगेटिव हुआ तो इसी के साथ इसका नेगेटिव वाला एम जी के साथ जुड़ जाएगा तो क्या हुआ एम जी के साथ एक एक्स जुड़ा हुआ है अब इसके साथ आ गया ओ एच एम जी एक्स और उसके साथ एच OH. बचा है आर बचा है आर एच बन गया ये है एलकेन। इस तरह से बनता है रिएक्शन क्या आप में से ये वाला कोई भी बच्चा रिएक्शन करके दिखा सकेगा बोलो सी एच थ्री सी एल की रिएक्शन एम जी के साथ करके कोई दिखा सकेगा किसके प्रेजेंस में बेटा ईथर क्या और दोनों स्टेप अगर लिख के दिखा सको तो अच्छा रहेगा मैं लिख दिया हूं एग्जाम्पल आप में से कितने बच्चे इस रिएक्शन को करके दिखा सकते हैं बता सकते हैं बताइए जी बोलिए सर्वेश वर्मा जानवी साहू या लखन लाल अजीज अरमान यस जानवी, लालचंद ठीक है टिंकू भाई बताओ बेटा बन जाएगा यस सर यस सर लिख दिए बहुत सारे बच्चों ने यानी बन गया यार कोई टेंशन ही नहीं है तो बताओ अब क्या करोगे दो पदों में रिएक्शन है फर्स्ट स्टेप फिर सेकंड स्टेप में आगे स्टेप पढ़ा लूंगा चलो ठीक है हम बस आखिरी करने वाले हैं क्लास फाइनल होने वाला है चलो बता दो हा जी तो इसमें बनेगा एम और एक तरफ ये टूट गया ना सी एस थ्री एक तरफ आ गया और दूसरी तरफ आ गया Cl अब इसके बाद किससे पानी से रिएक्शन करेंगे पानी से रिएक्शन करेंगे तो ओ OH एच को ले लेगा ये एम तो एम के साथ सी जुड़ा है और ये हो गया ओ OH. एच बच क्या गया एच सी एस थ्री के साथ तो बन गया सी एच फोर यानी कि मीथेन इस अभिक्रिया से आप मीथेन भी बना सकते हो लेकिन पहले दो मेथड बताया था उसमें आप कभी भी मीथेन नहीं बना सकते थे अब मीथेन इथेन प्रोपेन ब्यूटेन जो बनाना है बना सकते हो इस पर कार्बन की संख्या पर डिपेंड करता है इसमें कार्बन डबल नहीं होता है ठीक है जितना रहता है कार्बन उतना ही रहता है यही बात है इसके बाद कोलबे कोलबे का विधि है इसके बाद आपके पास है कोलबे इलेक्ट्रोलाइसिस जिसको कह सकते हैं उसके बाद डी कार्बोक्सीन है और भी बहुत सारे रिएक्शन है जिसके जिसके आधार पर या जिस रिएक्शन के बेस पर आप एल्केन बना सकते हैं आप सबको यही कहूँगा कि आप विद्याकुल जाइए और विद्याकुल में हमारे ऐप इंस्टॉल करिए वी हमारा ऐप है उसको भी इंस्टॉल करिए और हमारे इस नंबर पर कॉल करें सुबह 10 बजे से शाम को 5 बजे के बीच आपको अगर हमारा कोर्स की तरफ आना है और आइए बेटा क्योंकि यहाँ पर पढ़ाई जबरदस्त है हल्के हल्के सीधा सरल तरीकों से हम पढ़ाते हैं ताकि आपको हर किसी को बच्चे को समझ में हमारी क्लास तो आज की ये क्लास समाप्त करने से पहले एक बात बोलूंगा हमारे अपलोड वीडियोस हैं उनको जरूर देखो आपको बहुत कुछ दे रहे हैं और विक्रम है सॉरी प्राइम हैप क्लासेस प्राइम हैप क्लासेस नाम से एक हमारा और चैनल है उस चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करिए प्राइम हैप क्लासेस इस क्लास को भी इस चैनल को भी आप सब्सक्राइब करिए क्योंकि इस चैनल में पी सी एम बी अच्छे अच्छे से अच्छे टीचर लाने की हम पूरी कोशिश कर रहे हैं जो टीचर आपको अच्छा लगेगा वो रहेगा जो टीचर आपको अच्छा नहीं लगेगा उसे नहीं रखेंगे आप निश्चिंत रहिए आपके लिए बहुत कुछ करने की कोशिश करेंगे इस चैनल में और हम उस चैनल में हाइड्रोकार्बन लेके आ रहे हैं और भी बहुत सारी चीज़ें एम सी क्यूज़ लेकर के स्पेशली मैं आ रहा हूँ वहाँ पे वहाँ पर आप जरूर रहिए हफ्ते में अभी एक या दो क्लासेस मैं दे रहा हूँ अभी एम सी क्यूज़ के लिए और बाकी जो क्लासेस है वो तो टीचर रेगुलर दे रहे हैं मैथ्स की रेगुलर क्लास आ रही है फिजिक्स की रेगुलर क्लास आ रही है बायोलॉजी की क्लासेस आ रही हैं हर एक दिन या दो दिन के गैप में तो मैं इतना ही कहूँगा और जिन बच्चों को पेड कोर्स की तरफ़ आना है बिल्कुल आइए इधर नीचे मेरा नंबर दिया गया उस नंबर पर जा करके के इनरोल करिए बस इतनी ही बातें और बोलेंगे विक्रम है केमिस्ट्री आपको बहुत कुछ दे रहा है आपको केमिस्ट्री सिखा दिया और क्या चाहिए केमिस्ट्री दिमाग से खुल जाए दिमाग में खुल जाए तो हमेशा आसान लगता है बस याद रखना रेगुलर रहेंगे सीधी से तरीके हैं सरल तरीके से पढ़ा रहे हैं भैया आपको हर किसी को समझ में आएगा बस इतना ही कहेंगे आज की क्लास ये पे समाप्त करेंगे बिल्कुल लाइक करिए और आप क्लास को शेयर करिए अपने दोस्तों को बताइए और जिन बच्चों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया बिल्कुल सब्सक्राइब कर लीजिए आज की क्लास समाप्त करते हैं यहीं पर धन्यवाद थैंक यू